नमस्कार, आज है शुक्रवार और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कहानी। मध्य प्रदेश के पास एक गांव में रहते हुए एक किसान की, जिनका नाम है रामू, और उनकी शादी एक साउथ इंडियन लेडी से हुई हुई है जिनका नाम है रमिया। तो ये कहानी है इन दोनों हस्बैंड वाइफ की, जो कि बहुत ही खुश परिवार था है, और इनके पास सब कुछ है, मतलब एक अच्छा घर भी है, इनके दो बच्चे हैं जो इनका कहना मानते हैं, इनकी एक भैंस है जिससे रामू जी बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम है गौरी, और इनके अपने खेत हैं, ये खेती करते हैं, फार्मर हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हम सामने जब किसी को देखते हैं कि ये ज़्यादा खुश है, तो हमें लगता है कि शायद हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है। ऐसा ही कुछ रामू जी के साथ हुआ। उनके दोस्त शहर से आए और जब वो आए तो वो काफ़ी अमीर हो चुके थे, और वो हर बार पे रामू जी को यही कहते थे कि मुझे पीस मिल गया है। तो पीस जो है, एक शांति जिसे कहते हैं, जिसे हर कोई ढूंढ रहा है इस दुनिया में, वो उनको मिल गया है। तो ये बात रामू जी को थोड़ी खटकी हो गई थी कि भाई तुमको पीस कैसे मिल गया, तुम तो काम करने गए थे। तो वो बोलते हैं कि भाई मैं जब काम कर रहा था, मैंने काफ़ी कुछ देखा, सुना, समझा, और आप जैसे जैसे प्रगति करते जाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझते हो जो आप नहीं समझते। तो मैंने अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पीस अटेन कर लिया। तो ऐसे रामू जी बड़ा सोच में पड़ गए कि भाई ये इसके पास तो पीस है यार, शांति है इसके पास, मेरे पास नहीं है। अचानक से उनको अपने जीवन में हर जगह से कमियां नजर आने लग गई, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। तो एक रात सोते वक्त उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी में पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो उनकी बीवी ने आया गुना क्या, ठीक है सो जाओ, अभी रात को नींद आ रही है, सबको सोना है। तो सो गए। उसके बाद हुआ यूं के अगले दिन रामू जी ने कहा कि मैं भोपाल जा रहा हूँ। तो घर में सब हम सोचते रहे, भाई क्या हो गया अचानक, भोपाल जाना है, क्यों जाना है? तो कहते हैं कि जी मेरे जो गुरु हैं, जो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ ये पूछने के लिए कि मेरी लाइफ में पीस क्यों है। तो बोलती है उनकी वाइफ के, भाई पीस अगर आप ढूंढने जा रहे हो तो कहीं ये ना हो कि आप भी साधु संत बन जाओ, फिर आपके परिवार का क्या होगा। वो बोलते हैं नहीं नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, खेत देखना है, गौरी को देखना है, तुमको देखना है, पर जस्ट 4-5 दिन की बात है और मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो घर वालों ने कहा ठीक है, जाओ जी, अब क्या कर सकते हैं, जब आपने ठान लिया तो जाओ। तो ये महाशय निकल पड़े भोपाल के लिए, और जब ये भोपाल गए तो इन्होंने अपने गुरु का पता ढूंढा। जहाँ पे पहुँचे और वहाँ पता चला कि गुरु जी तो कश्मीर शिफ्ट हो गए हैं, गुरु जी तो वहाँ है ही नहीं है। ये बड़े सोच में पड़ गए, कहते हैं अब जब मैं यहाँ तक आया ही हूँ उनको ढूंढते, तो मैं यहाँ से टिकट ले लेता हूँ ट्रेन की। अब ट्रेन की टिकट लेने गए, उतरे, ट्रेन तो सुबह सुबह है। कहते ठीक है मैं सुबह की टिकट दे दूँ, मैं यहाँ वेटिंग रूम में वेट कर लेता हूँ। जब ये वेट कर रहे थे तो वहाँ पे इनको एक औरत मिली, बहुत रो रही थी। अब रामू जी की नेचर ऐसी थी, वो सबकी हेल्प आगे चल के करते थे, तो उन्होंने उसकी भी हेल्प करने के लिए उसे पूछा, भाई क्या बात है क्या बात है? तो वो रोती रोती बाहर आ गई, कहते मैं सच में मैं सबकी मदद करता हूँ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर लूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो कहती कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया है और मैं अकेली हूँ। तो कहते ऐसे बहन तुम बात तो ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ कश्मीर, तो तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलती और वहाँ जाके हम आप मेरे गुरु के आश्रम में रहना। कहती ठीक है मैं जरा आती हूँ, वॉशरूम से आती हूँ। तो निकल गई। तो जब ये अंदर गए वेटिंग रूम में तो इनका बैग गायब था, इनका सारा सामान चोर हो गया। बड़े गुस्से में थे, बहुत कोस रहे थे, इस औरत को भी कोसा,
कि भाई क्यों गया मैं इसके पीछे बाहर। आसपास सब लोग जो थे वो तो सो रहे थे, उनकी रात बहुत थी। तो किसी एक महिला को उन्होंने जगाया, जाओ जाओ देखो उधर अंदर है क्या, उसको उसने मेरे साथ कश्मीर जाना है, तो कश्मीर की ट्रेन पकड़नी है हमने 2 घंटे में, वो अंदर तो कोई था नहीं। लेडी बोलती अंदर तो कोई नहीं है, तो वो समझ गए कि इसका मतलब ये बेरूपिया है, इसने तो मेरा बैग भी चुरा लिया। पर वो शुक्र है कि उनके जेब में पैसे थे और टिकट थी, और गए थे सिर्फ कपड़े और कंबल वंबल जो ये लेके चले थे, तो उस बात का उन्होंने शुक्र मनाया। पर मन में बहुत गुस्सा कि ऐसे भी लोग होते हैं, बताओ हम सच में हेल्प करने जा रहे हैं। होता ही है ना, जेन्युइनली आप हेल्प करने जाओ और लोग आपको धोखा देते ही देते हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया। खैर वो कश्मीर की ट्रेन में चले गए, गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी को जाके कहते कि मेरे पास गुरुजी सब कुछ है पर पीस नहीं है। तो पहले बोलते कि तुम पहले ये बताओ कि तुम आते आते सोचते क्या है। जी कुछ नहीं सोच के आया। तो कहते हैं कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वो कहते हैं हाँ मेरे कपड़े चोरी हो गए, एक लेडी ने मेरे बेवकूफ बनाया, अच्छाई का जमाना नहीं है। तो गुरु जी चुप करके सुनते रहे, कहते तुम घर जाओ, तुम्हें कुछ पीस वीस की जरूरत, तुम्हारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कहते नहीं नहीं मेरे को तो पीस चाहिए। तो कहते अच्छा भाई पीस चाहिए ठीक है। तो गुरु जी कहते अच्छा तुम उनसे शाम को मिल लेना। तो जाते हैं वो एक गुफा के अंदर, उनकी गुफा होती है जहाँ पे वो ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। शाम को आते हैं, कहते हैं रामू तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो। कहते मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी भैंस गौरी को करता हूँ। कहते ठीक है अब तुम इस गुफा के अंदर जाओ और सोचो कि तुम गौरी हो, और ये तुम 5 दिन तक बोलते रहोगे और समझते रहोगे कि मैं गौरी हूँ मैं गौरी हूँ मैं गौरी हूँ। कहते ये क्या बोल रहे हो आप, वो तो भैंस है, मैं थोड़ा ना भैंस हूँ। कहते जो अब तुम्हें पीस चाहिए जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। कहता है ठीक है अब आप कह रहे हो तो करता हूँ। तो ऐसे करते 5 दिन बीत जाते हैं। वहाँ उनकी बीवी वगैरह सोचते हैं घर वाले के शायद हो सकता है सन्यासी बन गए हो और वापस ना आए। तो सब लोग सलाह देते हैं जी बीवी काम करना शुरू कर देती है खेतों में, बच्चे भी दुखी होते हैं, गौरी भी खाना वाना ठीक से नहीं खाती, कमज़ोर होने लगती है, पर अब ज़िंदगी तो चलानी है उन्होंने। ये महाशय अपनी मेडिटेशन में थे, मैं गौरी हूँ गौरी हूँ। 5वें दिन बाहर से आवाज़ लगाई उनके गुरु ने, रामू बाहर आओ। कहते गुरु जी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? कहते क्योंकि मेरे सींग और लंबे हैं और मैं अब बाहर की तरफ जा नहीं सकता। तो गुरुजी हंसते हैं क्योंकि वो अपने आप को गौरी गौरी बोल रहा था कि मैं एक भैंस हूँ मैं एक भैंसा हूँ। वो भैंस वो समझते हैं कि वो वैसे ही होंगे। कहते हैं अच्छा ठीक है तो तुम अंदर ही रहो और तुमसे मिलने में कल आऊँगा, अब तुम बोलो कि मैं रामू हूँ और मैं इंसान हूँ। ठीक है बोलता है। और रामू नेक्स्ट डे जब बोलते हैं रामू बाहर आओ तो आ जाता है। गुरुजी ये जो आपने किया इसका क्या मतलब था? तो वो कहते हैं कि तुमने जो सोचा जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। पीस कुछ भी नहीं है, पीस एक ख्याल है जो तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारे पास पीस नहीं है, पीस नहीं है। जब तुम बोलोगे तुम्हारे पास पीस नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। पीस तुम्हारे पास है, तुम जब बोलोगे कि पीस मेरे पास है तो पीस मिलेगा ही मिलेगा। तो वो समझ आता है बात को कि गुरुजी उनको क्या कहना चाह रहे हैं। फिर कहते गुरुजी मैं आपकी बात समझ गया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप सोचोगे आपके पास पीस नहीं है तो आपके पास नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास नहीं है, आपके पास इज्जत नहीं है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब यहाँ का खेल है। तो घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि उनकी बीवी का क्या हाल हो गया सब। कहते मेरी बीवी का है तो वो खेत में गई काम करने के, तुम एक महीने बाद आए हो तुम्हें पता भी है? तो वो हैरान हो जाते हैं कि मतलब इतना ना मुझे गुरु जी ने कहा सर 6 दिन हुए। तो फिर देखते गौरी एकदम सुकड़ी सी हो गई है, बहुत प्यार करता है उसको, खाना खिलाता है, बच्चे आते हैं बच्चे रोते हैं, प्यार करता है। वहाँ जाता है गाँव
खेत में अपनी वाइफ से मिलता है और उसकी वाइफ कहती है, भाई हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया। तो कहता है कि मेरे सबसे बड़ा पीस है मेरा काम, मेरी फैमिली। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरा सबसे ज्यादा सुकून होता है। मुझे किसी और के जैसे नहीं बनना है, मैं अपने जैसा ही बनना प्रेफर करता हूँ। और इसी तरह उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। तो इससे हमारा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये यही है कि दूसरों को देख के आप अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या आपके अंदर कमी है, अफर्मेशन कीजिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसे आप खुद। ऐसे ही आप सामने वाले को जज करते हैं, आप अपनी सोच से जज करते हैं ना। आप ये कभी भी नहीं कहेंगे, अगर जो बंदा चालाक होगा उसको सामने कितना भी इनोसेंट बंदा खड़ा हो वो चालाकी देखेगा उसके अंदर कहाँ है, है कि नहीं। तो अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, कहानी के बारे में सोचिए। ये कहानी मेरी किताब गोल्डन आर के अंदर से है, अभी तो ये इंग्लिश में है, रिफ्लेक्शंस के नाम से स्टोरी इसके अंदर। और इसको भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कराने का सोचा नहीं है, जब सोचूंगी तो बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए, हैप्पी फ्राइडे द 13th। वैसे तो मुझे भूत की कहानी सुनानी चाहिए थी पर आज मैंने सुनाई नहीं, क्योंकि मैं भूत की कहानी लिख रही हूँ अभी, द लोनली बियर, वो भी बहुत जल्दी आएगी आपके पास पढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। आपको पसंद आई मेरी कहानी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड, वेरी गुड वीकेंड। थैंक यू।